हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज है 10 मार्च। तो 10 मार्च के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @गवर्नमेंट नौकरी लिखकर सर्च करेंगे, तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 9 मार्च के करंट अफेयर्स पढ़े थे, तब लास्ट में आपको 2 टेस्ट दिए गए थे। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 10 मार्च के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और ये जो करंट अफेयर है वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपका मैक्सिमम स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी कवर किया जा रहा है। सो कल का आपका पहला टेस्ट था कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य बना है। तो उस देश का नाम है मलेशिया। हाल ही में जो मलेशिया देश है ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर बना है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका ए। और दूसरा टेस्ट है आपका कि सऊदी अरब ने राजकुमारी रीमा बित बंदार बिन सुल्तान को किस देश में राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो उस देश का नाम है अमेरिका। हाल ही में सऊदी अरब ने अमेरिका में अपने एक नई राजदूत नियुक्त किए हैं, जिनका नाम है राजकुमारी रीमा बित बंदार बिन सुल्तान। और ये सऊदी अरब की पहली महिला है जो कि जिन्हें किसी देश में राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका बी। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 मार्च के करंट अफेयर। तो आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में आपको 2 टेस्ट दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आपके लिए कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री आंचल समृद्ध योजना शुरू की है। तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की है। और इस योजना को क्यों शुरू किया गया है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस योजना के तहत किन लोगों को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो योजना है ये उत्तराखंड सरकार ने इसलिए शुरू की है ताकि जो उत्तराखंड के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र है वहां पर बच्चों के लिए दूध उपलब्ध करवाया जा सके। इसलिए इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। और इस योजना के तहत उत्तराखंड के अंदर 20,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर किया जाएगा। और इन आंगनवाड़ी केंद्रों में 2.5 लाख बच्चों को सप्ताह में 2 बार 100 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना इस योजना के बारे में आपको। अब क्योंकि इस योजना को उत्तराखंड राज्य के चीफ मिनिस्टर ने शुरू किया है तो उत्तराखंड के बारे में यहाँ पर आपको नोट करना होगा। देखिए यहाँ पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के अंदर लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा की सीटें 3, विधानसभा की सीटें 70। और उत्तराखंड का जो फोक डांस है वो है भारदा नाटी। और उत्तराखंड का जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट करंट अफेयर है आज का हमारा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में WHO ने अपनी मुख्य वैज्ञानिक के रूप में सौम्या स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया है। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है सौम्या स्वामीनाथन जी, देखिए जो सौम्या स्वामीनाथन ना ये इससे पहले WHO की डिप्टी डायरेक्टर जनरल थी। अब इन्हें डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद से हटाकर WHO के मुख्य वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। और यहाँ पर सौम्या स्वामीनाथन जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये नोट आपको करनी होगी कि जो सौम्या स्वामीनाथन जी है ना ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्य वैज्ञानिक का पदभार संभालने वाली पहली महिला भारतीय हैं। WHO के बारे में भी आप लोग नोट करेंगे। फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूँ आपको, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
और WHO का गठन कब हुआ है, जिसका गठन हुआ 7 अप्रैल 1948 में, और WHO का जो हेडक्वार्टर है ना वो स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा में है, और WHO के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है टेड्रोस एधनॉम। नेक्स्ट करंट अफेयर होगा आज का कि हाल ही में किस राज्य ने अटल आहार योजना शुरू की है, तो इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अटल आहार योजना शुरू की है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये योजना किन लोगों के लिए शुरू की गई और किन लोगों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा और क्या लाभ होने होगा, ठीक है। तो इस योजना के तहत जो निर्माण श्रमिक हैं यानी कि कंस्ट्रक्शन जो वर्कर हैं उन्हें कवर किया जाएगा, उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और जो महाराष्ट्र सरकार है ना वो इस योजना के तहत 20,000 से अधिक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5 रुपये में अच्छी गुणवत्ता वाला यानी कि अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करवाएगी। तो ये इस योजना के बारे में आपको याद रखना था कि इस योजना के तहत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कवर किया जाएगा और 20,000 से अधिक कंस्ट्रक्शन वर्कर को 5 रुपये में अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में आपको बताने जा रही हूँ क्योंकि ये जो अटल आहार योजना है ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू की गई है। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र, कई बार मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, और महाराष्ट्र के गवर्नर यानी कि राज्यपाल है सी विद्यासागर राव, और महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की सीटें 19 और विधानसभा की सीटें 288। और महाराष्ट्र का जो फोक डांस है वो है पवारी नाच, और महाराष्ट्र का जो नेशनल पार्क है ना वो है संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किस राज्य के मरयूर गुड़ को GI टैग प्राप्त हुआ है। GI की फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है। तो जो मरयूर गुड़ है ये केरल में फेमस है, इसलिए केरल का ये एक खाद्य पदार्थ है मरयूर गुड़, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर इंडिकेशन टैग मिला है। और ये जो मरयूर गुड़ है ये केरल के अंदर कहाँ पर पाया जाता है, तो केरल के अंदर इडुक्वी जिले में इसे बनाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको GI के बारे में बताती हूँ यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हमारे भारत का पहला प्रोडक्ट कौन सा था जिसे GI टैग मिला था, ठीक है। तो देखिए जो GI टैग है यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है वो ऐसे प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, ऐसे खाद्य पदार्थों को दिया जाता है जिसमें कोई विशेषता होती है और वो जो चीज़ है वो किसी पर्टिकुलर जगह की फेमस होती है, तो उन प्रोडक्ट्स को GI टैग मिलता है, ठीक है। और हमारे भारत का जो पहला प्रोडक्ट था जिसे GI टैग मिला था वो था दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय को 2004 में GI टैग दिया गया था। और प्रेजेंट में हमारे भारत के कितने प्रोडक्ट हैं जिन्हें GI टैग मिल चुका है, तो टोटल 325 प्रोडक्ट अब तक ऐसे हैं जिन्हें GI टैग मिला है। बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने आपको बताए थे जैसे कि अल्फांजो आम को GI टैग मिला था, और बिहार की शाही लीची को भी GI टैग मिला था हाल ही में, मैंने आपको 2018 में पढ़ाए थे ये करंट अफेयर, होप आपको याद होंगे। केरल के बारे में भी एक बार मैं बताती हूँ आपको, GI की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब केरल के बारे में नोट करेंगे, यहाँ पर केरल, इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, और केरल के जो गवर्नर हैं उनका नाम है पलानी स्वामी सत्यशिवम। और केरल के अंदर लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा की सीटें 9, विधानसभा की सीटें 140, और केरल का जो फोक डांस है वो है चख्या कोथू, और केरल का जो नेशनल पार्क है वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NCLT की दो नई बैच कहाँ स्थापित होगी। तो NCLT की जो दो नई बैचेस हैं ये अमरावती और इंदौर में स्थापित की जाएंगी। सबसे पहले आपको NCLT की फुल फॉर्म नोट करनी है, मैं बताने जा रही हूँ आपको, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दो नई ब्रांचेस अमरावती और इंदौर में स्थापित होगी। देखिए भारत सरकार ने क्या किया है कि जितने भी कानूनी मामले हैं, लॉ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मामले हैं, उनका तेजी से निपटारा करने के लिए इस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को स्थापित किया है, इसकी दो नई ब्रांचेस स्थापित की हैं। और जो अमरावती की ब्रांच होगी ना, अमरावती कहाँ पर है ये आप लोगों को पता होगा कि आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित होगी। और इंदौर कहाँ पर है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, तो दूसरी ब्रांच इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पर स्थापित होगी। और प्रेजेंट में हमारे पूरे भारत में कितनी
NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स के बैच स्थापित हुए हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो टोटल 14 NCLT बैच स्थापित हैं प्रेजेंट में हमारे भारत में। 11 तो पहले ही थे पर हाल ही में 3 और नए ब्रांचेस स्थापित किए गए, जैसे कि एक जयपुर में स्थापित किया, दूसरा कोच्चि में स्थापित किया गया और तीसरा कटक में स्थापित किया गया, जो कि अभी रिसेंट स्थापित किए गए वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, 11 पहले से स्थापित थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य के किरुपन बिजली परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो जो किरुपन बिजली परियोजना है ये जम्मू कश्मीर की परियोजना है जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है। और किसने मंजूरी दी है इस परियोजना को? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। किरुपन बिजली कहें या फिर कहें हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को हाल ही में मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर की ये परियोजना है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करनी है। और इस परियोजना के तहत आपको ये भी बताना चाहिए कि ये परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई। तो ये परियोजना जम्मू कश्मीर के अंदर किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थापित की जाएगी, ठीक है। और इस परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर के बारे में भी फिर पता होना चाहिए। यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है, गवर्नर है सत्यपाल मलिक, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोकसभा की सीटें 6, राज्यसभा की सीटें 4, विधानसभा की सीटें 87। जो फोक डांस है जम्मू कश्मीर का वो है कूद डांस और धूमल, और जो नेशनल पार्क है वो है द चिंगम नेशनल पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जम्मू कश्मीर के बारे में नोट करनी थी। अगला क्वेश्चन है, WEFI 2018 रिपोर्ट में कम आय वाली अर्थव्यवस्था की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म नोट कीजिए, इसकी फुल फॉर्म है WEFI की, इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। तो वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2018 रिपोर्ट में कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की सूची में जो पहले स्थान पर देश है वो देश है घाना। घाना देश का नाम पहली बार आया तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। ये पता लग गया आपको पहले देश पे, पहले नंबर पे घाना, दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? तो दूसरे नंबर पे है फिलीपींस, तीसरे नंबर पे है वियतनाम, और हमारा भारत कौन से स्थान पर, ये भी बताना चाहिए। तो हमारा भारत 4th नंबर पे है। अब घाना के बारे में आप यहाँ पर नोट करेंगे, इस देश का नाम पहली बार आया है ना। देखिए यहाँ पर जो मांग रही है, यहाँ पर घाना, घाना की कैपिटल है एक्रा, घाना की करेंसी है घानियन कैडी, और घाना के प्रेसिडेंट है नाना अकुफो अडो। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको घाना के बारे में नोट करनी थी, पहली बार इसका नाम आया है तो इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में औपचारिक भारत जापान अंतरिक्ष वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो जो औपचारिक भारत जापान अंतरिक्ष वार्ता है इसे हाल ही में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये आप लोगों को पता लगे कि ये वार्ता किसके किसके बीच में ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो भारत और जापान के बीच में ऑर्गेनाइज की जा रही है इस वार्ता को। जापान के बारे में नोट कर लीजिए फिर, यहाँ पर है जापान, जापान की कैपिटल टोक्यो, बहुत बार बताया, जापान की करेंसी है जापानीज येन, और जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो एब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत ने चीन में अपना तीसरा IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गलियारा यानी कि कॉरिडोर कहाँ शुरू किया है? तो भारत ने चीन में अपना जो तीसरा IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कॉरिडोर है इसे जियांगसू में शुरू किया है। जियांगसू आप लोगों को पता लगे कि चीन का एक शहर है, ठीक है। इससे पहले भी भारत ने अपने 2 कॉरिडोर चीन में शुरू किए हैं, वो भी मैं बताती हूँ कहाँ पर है। तो भारत का जो पहला कॉरिडोर है चीन के अंदर वो डालियान में है, और दूसरा गुइलियांग में है, ये भी दोनों चीन में ही है। चीन के बारे में बताती हूँ क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरिडोर है ये चीन में शुरू किया गया है। यहाँ पर है चाइना, चाइना कैपिटल बीजिंग, चाइना की करेंसी रेनमिनबी, चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेरी मैरीमेन का निधन हो गया, आपको बताना कि उन्होंने इन चारों में से किस उपकरण की खोज की थी? जेरी मैरीमेन का नाम फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इन्होंने किस चीज़ की खोज की है। तो जेरी मैरीमेन, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर की खोज की थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनकी एज कितनी थी? तो 86 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है, और इनका निधन कहाँ पर हुआ है? तो अमेरिका के टेक्सस में इनका निधन हुआ है। इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रही हूँ कि जो जेरी मैरीमेन है ना, इन्होंने 1960 में हैंड हेल्ड
इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर भी विकसित किया था, जो कि छोटा सा कैलकुलेटर होता है उसकी, उसको भी इन्होंने विकसित किया था 1960 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जैरी मैरीमैन के बारे में नोट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच कैंसर शोध पहल पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन के बीच में कैंसर शोध पहल पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत क्या होगा कि जो हमारे भारत के एक्सपर्ट्स हैं और जो ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स हैं, ये दोनों देशों के एक्सपर्ट्स मिलकर कैंसर के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके समाधान के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, ब्रिटेन के बारे में भी आपको फिर पता होना चाहिए क्योंकि ब्रिटेन का नाम है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटेन यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन और यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है थेरेसेमी। आखिरी क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारी जो हाल ही में वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं उनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग हाल ही में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं हमारे भारत के। इनके बारे में बताना चाह रही हूँ, देखिए जो सुभाष चंद्र गर्ग है ना, ये राजस्थान कैडर की 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। और ये प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? तो प्रेजेंट में ये आर्थिक मामलों विभाग में वित्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। और ये किनकी जगह लेंगे, यानी कि किनकी जगह पर इन्हें नियुक्त किया जाएगा? तो अजय नारायण झा की जगह पर अब सुभाष चंद्र गर्ग को नियुक्त किया जाएगा। मैंने आप लोगों को करंट अफेयर भी पढ़ाया है, मैंने आपको बताया था कि जो अजय नारायण झा जी हैं, AN झा हैं, ये 28 फरवरी को रिटायर हो गए हैं। तो इनके पद पर अब सुभाष चंद्र गर्ग को नियुक्त कर दिया गया है। और AN झा के बारे में मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था कि अब AN झा जब रिटायर हो गए हैं अपने पद से, तो इन्हें अब वित्त आयोग के सदस्य बना दिया गया है। ये पहले वित्त सचिव थे, वित्त सचिव अब सुभाष चंद्र गर्ग को बना दिया गया और अजय नारायण झा को वित्त आयोग के सदस्य बना दिए गए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना आपको, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। वित्त मंत्री का नाम भी बताती हूँ, उनका नाम है अरुण जेटली। पिक्चर दिखाती हूँ मैं तीनों लोगों की। देखिए, ये है अरुण जेटली हमारे वित्त मंत्री, और ये है सुभाष चंद्र गर्ग हमारे जो कि हाल प्रेजेंट में वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं, और ये है अजय नारायण झा जो कि वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त हुए हैं। इन तीनों लोगों के बारे में इंपॉर्टेंट नोट करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी 10 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में। और जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि लास्ट में आपको दो टेस्ट दिए जाएंगे ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है। और जितने भी मार्च के मंथ में इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए हैं वो भी आपको बताने, थोड़े से ही हैं। और दूसरा टेस्ट है आपका कि हाल ही में किस राज्य के लिए एक नई रेलवे क्षेत्र का घोषणा की गई है, उस राज्य का नाम बताना है, राज्य के बारे में भी बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े हमारे साथ। थैंक यू।